आगरा 100 फीट ऊंचा बनेगा रावण का पुतला। आगरा के रामलीला मैदान में रावण दहन की तैयारियां शुरू हुई। ताजनगरी आगरा में दशहरे पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगरा के रामलीला मैदान में रावण बनाने का काम शुरू हो गया है। अच्छाई पर बुराई की जीत का यह पर्व रावण दहन कर मनाया जाता है। 2 वर्ष के बाद रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कोरोना की रफ्तार देश में कम हुई है, इसलिए पर्व जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। मथुरा से आई मुस्लिम समाज का परिवार रावण बनाने का काम आगरा के रामलीला ग्राउंड में कर रहा है। मथुरा से आए कारीगर अमीर बताते हैं कि 40 साल से आगरा की रामलीला मैदान में वो रावण को तैयार कर रहे हैं। उनकी कई पीढ़ियां निकल गईं। आगरा के मैदान में रावण बनाते बनाते 70 साल के बुजुर्ग ने कहा कि उनके साथ इस बार 5 कारीगर आए हैं। 70 साल के बुजुर्ग का कहना है कि उनके पूर्वज यहाँ आकर रावण बनाते थे। कब से आप रावण बना रहे हो आगरा में अंदर? बचपन से काम कर रहा सीखे हम, जब आगरा रावण 50 साल हो गई बनाते। अच्छा, तो अब ये मतलब कब से कब तक बनकर तैयार होगा? ये जो है 25 तारीख कोई 5 तारीख कोई खत्म होगा। कितना टाइम लगता है बनने? एक महीना। कितने लोग लगेंगे? 5 लोग। कहाँ से आए हो आप लोग? मथुरा से। मतलब किस चीज़ से तैयार किया जा रहा है ये जो है? यहाँ बांस लगता है, दूध लगता है, मैदा की लेल बंदी लगती है, कागज लगता है। केवल रावण का ही काम चल रहा है कि और भी? रावण का ही काम। केवल रावण का ही काम। मेरा अमीर। अमीर जी कहाँ से आए हैं? मथुरा से आए हुए हैं और यहाँ हर साल आते हैं। यहाँ मैं करीबन 40 साल से बना रहा हूँ और मेरे दादा परदादा सब यहाँ बनाते चले आए हैं। और रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, ताड़का है। कितना टाइम लगेगा ये सब बनाने में? 1 महीना लगता है करीबन। क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है इसमें? इसमें बांस है, रस्सी है, धागा है, रद्दी है, कागज है, चमकना वैसा सब यही। कितना लाख फुट ऊंचा रहेगा इस बार? इस बार 100 फुट ऊंचा रहेगा। कितने कारीगर आप लोग काम कर रहे हैं? 5 कारीगर है मेरे साथ।